2019 के आम चुनाव में अभी एक साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और बीजेपी के धुर विरोधी अखिलेश यादव अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी की नाकामियां गिनवाने के लिए अखिलेश यादव ने मुंबई में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने न सिर्फ बीजेपी पर तीखे शब्दों के बाढ़ छोड़े बल्कि पार्टी हाईकमान अमित शाह को देश का सबसे बड़ा गुंडा बता डाला। मुंबई के सायना चूना भट्टी में देश बचाओ देश बनाओ महारैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और आरएसएस देश को बांटने का काम कर रही हैं। अखिलेश ने कहा कि आरएसएस ने अंग्रेजों के तलवे चाटे, इसके अलावा कुछ नहीं किया। देश के लिए सभी नारे मुसलमानों ने दिए और देश में हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई, लेकिन आरएसएस उन्हें ही बदनाम करने में लगी हुई है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर भी जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार को नहीं हटाया गया तो वह देश के लिए खतरनाक साबित होगी। यह सरकार लोगों को बेवकूफ बनाकर सत्ता पर काबिज हुई है। उन्होंने पीएम मोदी को काले धन वापस लाने का वादा भी याद दिलाया। अखिलेश ने पूछा कि कहां है 15 लाख रुपए, क्यों नहीं अब तक गरीबों के अकाउंट में पैसे पहुंचे। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर संविधान के सिद्धांतों को बिगाड़ने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने यह तक कह दिया कि अगर देश में कोई सबसे बड़ा गुंडा है तो वह अमित शाह है, जो आज नेता बनकर घूम रहे हैं। रैली में अखिलेश यादव ने एक बार फिर देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत की और सीधे सीधे ईवीएम पर सवाल उठाए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।